जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आप देख चुके होंगे कि क्या है टॉपिक, आप इसे देख के कंफ्यूज नहीं हो। आज जो हम बोलने वाले हैं बकायदा कौन है इसके पीछे, जो आपकी बहाली जो आने वाली थी सातवां चरण शिक्षक बहाली, जिसमें आप तमाम जो सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, जो प्राथमिक यानी एक से लेकर आठवीं तक के शिक्षक बनने वाले हैं, लेकिन आप सुनते होंगे अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, और उस पर बकायदा मैंने वीडियो भी डाला है। आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, मैं कोई व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ वीडियो, और यहाँ बनाया हूँ आपको सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए आया हूँ। और वैसे आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जोश की कमी है जिसके कारण आप गर्दनी बाग में नहीं पहुँच पा रहे। आप तमाम अभ्यर्थी को पता होगा कि मैं पृथ्वीराज भारती जो आप लोगों के लिए मैं गर्दनी बाग गया। क्यों गया, कैसे गया, उसकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें मेरा भला नहीं है, भला आपका होगा। हम बार बार बोल रहे हैं भला किसका होगा, आपका। लेकिन आपकी संख्या अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग घर बैठे बस वीडियो देखते हैं। वीडियो देखिए, हो सकता है मेरा वीडियो आपको मोटिवेट करता हो। आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी है। आपको गुस्सा है, आप शिक्षा मंत्री का कोई बात भी करता है तो आपको चीट कान में जैसे ही सुनते होंगे गुस्सा आता होगा। क्यों, चूंकि उसका चूंकि शिक्षा मंत्री साहब जो बोलते हैं इतना घुमा घुमा के बोलते हैं जिसके कारण आपको गुस्सा चला आता होगा। बिल्कुल हम जानते हैं, अभी आप इस वीडियो को देखते होंगे तो हंसी भी आता होगा, बकायदा मुझे भी आता है। रीजन क्या, इतना बात को घुमाते हैं। लेकिन आप लोग को तमाम अभ्यर्थी को कहेंगे कि आप लोग भारी संख्या में अपने घर से निकलिए, एक के साथ दस को लेके निकलिए। आपको मैं बता दूं बिहार में कितना जिला है आपको पता है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे 38 जिला है। 38 जिला, अगर प्रत्येक जिला से आप समझ सकते हैं, आपको पढ़ाना पड़ता है 10 आदमी क्या 10, ये अगर एक व्यक्ति मिनिमम 10 लोगों को कहता है तो 38 जिला से लगभग 380 व्यक्ति आंदोलन में आ जाएंगे। और इतनी संख्या शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग में बैठे पदाधिकारी अधिकारी आला कमान और जो इसके रचयिता है गेम चेंजर जो है, जो अपने आप को नेताजी समझते हैं, मंत्री जी जो शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री हैं, उनको लगता है कि जो जनता है, जो हम लोग भी तो जनता है, आप भी जनता है, आपका अधिकार है जॉब लेना। चूंकि पढ़ाई किस लिए की है, आप पढ़ाई किया ना भाई, आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, और आप जितने भी और इंटर के बाद ग्रेजुएशन किए होंगे, फिर बीएड या डीएलएड, मैं जानता हूं कहां से पैसा लाए होंगे आप। 90% लोग तमाम अभ्यर्थी 90% लोग किसान के लड़के हैं। आप लोग कुछ अभ्यर्थी ग्रुप डी के भी तैयारी करते होंगे। 10 जगह मुंह मारने से अच्छा है कि एक जगह लग जाइए। आपको मैं बता दूं कि जो सातवां चरण शिक्षक बहाली होने वाली है, इसका आंदोलन अभी चल रहा है। कहां पे, गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग एक पवित्र स्थल है, मैं खुद यहां से होकर आया हूं, मेरा दिमाग इतना हल्का हो गया, मैं एक मिनट में इसको मिटा के बताता हूं कि मैं क्या बोलूं। गर्दनी बाग वो पवित्र स्थल है, यहां से आपका भाग का उदय होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग शिक्षा मंत्री के बात को बस अपने दिमाग में घुमाए हुए हैं कि आएगा कि नहीं। होता है निगेटिव बात, क्या होता है, मान लीजिए हमारे चाहने वाले इतने अभ्यर्थी है, 10 से 15 हजार अभ्यर्थी मेरे चाहने वाले हैं, उसमें से अगर 100 अभ्यर्थी अगर मुझको दो बात कह दिया या मेरा ट्रॉलिंग कर दिया या मेरा रोस्टिंग करता है, सिंपल ठेठ में कहे या गाली देता होगा, तो क्या उस एक दो अभ्यर्थी को लेकर चले, नहीं। क्योंकि मेरे पीछे आप लोग है, इसीलिए मेरा आवाज बुलंद है, और इसी आवाज को बुलंदी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो घर बैठे घर से नहीं होगा, तो गर्दनी बाग आप पहुंचिए। ये पटना में एक स्थल है, गर्दनी बाग सचिवालय के निकट है, भारी संख्या में आइए। और मैं पॉइंट पे आता हूं कि आप लोग किसान के लड़का है जो शिक्षक बनने वाले हैं, और मैं बता दूं ये जॉब आसानी से मिलता है, शिक्षक का जॉब, चूंकि मैं ऑलरेडी हूं इसीलिए मैं बता रहा हूं। शिक्षक जो सरकारी शिक्षक होते हैं, आप कुछ अभ्यर्थी कहते होंगे जो उल्टा बोलने वाले व्यक्ति है, वो कहते होंगे शिक्षक तो इसलिए बनते हैं कि जाके स्कूल में बैठेगा और पैसा मिलता रहेगा। मैं उन तमाम जो हमारे उल्टा बोलने वाले व्यक्ति हैं, जो दिग्भ्रमित करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं
ऐसी बात नहीं है। शिक्षक शब्द ही बहुत बड़ा है, ये इज्जत का शब्द है। और मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ लिख के बने हैं, बीए डीएलएड कितना मेहनत किए होंगे, बताइए इसमें कितना पैसा खर्च किए होंगे, 1.5 लाख रुपए आप लोग का खर्च हुआ होगा, हुआ है कि नहीं। ये पैसा आसानी से नहीं आता है। जब आपने मैट्रिक किया, चलिए मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किए होंगे कुछ, फिर ये किया, बताइए मैट्रिक किए, इंटर किए, डीएलएड किए, बीएड किए, तो आप बस एक आंदोलन से भाग रहे हैं। आज आप अगर आंदोलन में आ गए तो मैं चैलेंज करता हूं, हो सकता है कुछ समय बढ़ जाए, लेकिन जब बहाली आएगी और जब आपकी नियुक्ति होगी तो उस दिन हमें याद करना। मैं जानता हूं कि आप लोग मोटिवेट हैं हमसे नहीं तो कहीं और से, लेकिन घर में बैठे नहीं रहना है, अब समय आ गया। हम अब भी बोल रहे हैं, आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। जब अप्रैल के महीना में 22 दिन का जब आंदोलन हुआ था गगनी बाग में, मुझे भी अफसोस हुआ कि मैं क्यों नहीं गया वहां। मैं खुद बोलता हूं मैंने गया था, लेकिन मैं कहा था भगवान ने चाहा अगर वैसा दिन दिलाएगा तो मैं जाऊंगा, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, और शिक्षक होने के नाते मैं अपने आप को ईमानदार समझता हूं, मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता हूं। जो मैंने अपने आप से वादा किया था, अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं जाऊंगा, और मैं गगनी बाग में गया। और वहां जाने के बाद जो मुझ में जो हिम्मत आया और 38 जिला के अभ्यर्थी को मैंने देखा, तो ऐसा लगा कि मैं अपने भाई बहन से मिल रहा हूं। लेकिन अब वो कहीं नहीं है, आप सभी को निकलना होगा, यू हैव टू कम गगनी बाग। गगनी बाग में इसलिए आना होगा क्योंकि आपको बहाली चाहिए, बहाली नहीं पहले नोटिफिकेशन चाहिए, तभी आप बहाल होंगे। कितना परसेंटेज है, आवासीय बनाए, जाति कहाँ से बनाए, कुछ महिला अभ्यर्थी पूछती है अभी भी, हम जाति कहाँ से बनाए, एनसीएल कहाँ से बनाए। मेरी बहन, माताएं बहन, हम इस नाटक नहीं कर रहे हैं, बहाली आएगी तभी तो काम आएगा ये डॉक्यूमेंट, नहीं तो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री मैंने भी बहुत लिया है, लेकिन जब उस डिग्री का वैल्यू ही नहीं, वैल्यू कब, जब आपको जॉब ही नहीं होगा, आपका उम्र बचा हुआ है तो पहले जॉब। मैं भी एक इंजीनियर हूं, मैं भी बाहर खटा हूं और विदेश खटा हूं, लेकिन किसी ने मुझे कहा था पृथ्वी जी अभी आपका उम्र बचा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागिए, जिस दिन उम्र खत्म हो जाएगी नहीं होगा तो प्राइवेट जॉब तो है ही है, अपना धंधा कर लेंगे, जैसे MBA चाय वाला है, ग्रेजुएट चाय वाली है, अच्छा है ना। लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो हम लास्ट बार बोल रहे हैं, जब इतना पढ़ाई कर चुके हैं, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड, क्या क्या, बस एक बार अपने आप को गगनी बाग में धकेल के देखिए, वहां से जो आपके अंदर जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी किसी से कम नहीं होगा। अब बात आप आती है सत्ता पे, इस बहाली को कौन रोक रखा है, मैंने क्या लिखा है, आखिर कौन है जो रोका है बहाली। आप तमाम अभ्यर्थी को पता है कि ये बहाली किसके अंदर आती है, 7वां चरण ये शिक्षा विभाग के अंदर आती है, शिक्षा विभाग के अंदर आती है। लेकिन इस शिक्षा विभाग को कौन चलाता है, हमारे द्वारा चयनित, नामांकित, जिसको मैंने वोट देके कुर्सी पर बैठाया है, शिक्षा मंत्री जी, जो विधायक जी है, और उस विधायक को मंत्री कौन बनाया, हमारे जो मनसत्ताधारी के जो नेतागण है उन्होंने मंत्री बनाया, और वो मंत्री फिलहाल शिक्षा मंत्री होते हैं जो शिक्षा विभाग को चलाते हैं। ये शिक्षा मंत्री जी के अंदर में आता है, इनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पता नहीं क्यों दिल में लगता है, ऐसा लगता है कि मुंह खराब हो जाएगा और आपको सुनने में भी खराब लगेगा। जब शिक्षा मंत्री का आप बोली सुनते होंगे तो गुस्सा आता होगा, बोलिए कमेंट में, हाँ नहीं, इतना गुस्सा आता होगा कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे आपके सामने। हम तो बाबा आपको मोटिवेट करने आए, पकाने नहीं आए हैं, हो सकता है वीडियो स्किप करके भाग जाइएगा, हम आपको पकाने नहीं आए हैं। आप लोग समझदार यूट्यूबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप ये भी कहते होंगे व्यूज बढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल बढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए, आपके भले के लिए। आप अगर मेरे वीडियो देखने से अगर मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर गगनी बाग में आते हैं तो अपने आप को मैं ईमानदार समझूंगा कि एक शिक्षक का कर्तव्य है जो अपने बच्चे या जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं उसको अच्छे से समझाएं। अगर मेरे समझाने में कमी है तब आप गगनी बाग मत आना, अगर मैं समझाने में अगर दम है तो आप गगनी बाग पहुंचिए, बिल्कुल पहुंचिए। हम बहुत चाहते हैं कि आपकी बहाली हो जाए, शिक्षक बनने का रुतबा ही अलग होता है। अब आते हैं फिर से शिक्षा मंत्री पे। आज से 2 दिन पहले मैंने इसको घेला था, मैं अपने शब्दों का चयन सही करते हुए फिर से बोलता हूँ, ये शिक्षा मंत्री साहब ही से, और आज का रिपोर्ट मैं बता दूँ सचिवालय से, सचिवालय में मेरी बात भी हुई, हमारे मित्र भी बात किए हैं जो Tech News 24 चलाते हैं, उनके माध्यम से भी बात हुई है। तो पता है रवि प्रकाश साहब, उनके जो टीम है, उन्होंने बकायदा कह दिया है सभी कुछ रेडी है, यानी रेडी है। बस फिर मैंने पूछा क्या
कि बहाली सर क्यों नहीं देते हैं, तो उन्होंने पता है क्या बोला, शिक्षा मंत्री का जब साइन होगा ऑर्डर होगा तभी तो हम देंगे बहाली, हम भी तो उसी के अंदर में खटते हैं। जैसे मैं तो आपके अंदर में नहीं खट रहा हूँ, मैं भी तो विभाग में खटता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी किन्हीं के अंदर में हूँ, लेकिन मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं बोल सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को पद मिल गया या पद मिल गया तो हम बोलना छोड़ दें, किसी की चापलूसी करने लगे या आपके हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन आपको घर से निकलना होगा। यही शिक्षा मंत्री साहब है जो आपकी बहाली को रोक रखे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब आप लोगों को शिक्षा मंत्री जी से आग्रह जो करते हैं विनम्र निवेदन, वो समय बहुत बीत चुका है, अब अनुनय विनय करने से नहीं होगा, आपको आंदोलन में कूदना होगा, पटना के गदनी बाग स्थल पे आना होगा, जब आपकी भारी संख्या में होगी तो शिक्षा मंत्री जी की कुर्सी हिल जाएगी। मैं एक बात बता दूं, दो दिन पहले आपको याद है 1 अगस्त से आंदोलन चालू हुआ है, और आपको दो या तीन को शिक्षा मंत्री आपके 2 दिन आंदोलन करने के दरमियान एक बड़े न्यूज चैनल पे न्यूज 18 पे आके और बयान दे दिए। इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप बोलते हैं शिक्षा मंत्री बोल दिए सितंबर में बहाली आएगा, तब हम क्यों जाएं? अरे मेरे भाई बहन, वो ढकोसला है, अप्रैल मंथ से ही बोल रहे हैं, जनवरी से ही, कि होली में आएगा, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, जुलाई के लास्ट में आएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। अगस्त बीत जाएगा, अगले महीना नगर निगम का चुनाव है, कोई बहाली आपकी नहीं होगी। आज आप टूट गए, आपके पास 15 अगस्त तक का समय है, 15 अगस्त तक आप हिला दिए यानी आंदोलन में आपके भारी संख्या में, तो कुर्सी हिल जाएगी। क्यों? जब यही शिक्षा मंत्री जब बयान देते हैं 2 दिन के आंदोलन के बाद कि सितंबर में, क्यों? उनको डर लग गया कि अभी बताइए बहाली दे दिए तो हम, बहुत सारी बात है, इनको लगता है कि जब हम बयान दे दिए तो यहाँ से जो आंदोलन स्थल पे जो तमाम अभ्यर्थी 7वें चरण में जो भाग लेने वाले हैं उठ के चले जाएंगे अपने घर। आप लोगों को डराने के लिए किए हैं, वीडियो देखने से नहीं होगा, लेकिन आप लोग डरिए नहीं। डरना मतलब क्या, आपको कोई पीटेगा क्या? आपका अधिकार है आंदोलन में आना, या आपका मौलिक अधिकार है। इसीलिए उनका जवाब यही होगा, शिक्षा विभाग का मानी शिक्षा मंत्री जी का उल्टा जवाब आपको यही देना है कि आंदोलन में खूब भारी संख्या में भीड़ को इकट्ठा करना है। इससे क्या होगा, वो देखते रह जाएंगे, उनकी नींद छिन जाएगा, और फिर सोचेंगे आप कौन सा बयान दे। बयान देने से अच्छा होगा कि सौ समय वो नोटिफिकेशन दे देंगे आपको, यानी विज्ञप्ति दे देंगे। इसीलिए बकायदा शिक्षा मंत्री को तो मैंने बहुत सुनाया था, आपने वीडियो भी देखा होगा, बहुत प्यार दिया। अब आप लोगों को हम सुना रहे हैं, आपको निकलना होगा घर से, कल आप सुबह निकल जाइए, हम बार बार बोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको होगा, घर बैठे रहने से नहीं होगा। जब आपने बीएड बाहर जाके देगा में रहा, खाना बनाते होंगे तब पढ़ते होंगे, तो आंदोलन में आके क्या दिक्कत हो जाएगा सर? आइए ना, एक बार आइए, फिर हुजूम में अनिश्चितकालीन आंदोलन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1-2 महीना करना पड़ेगा, कम से कम आप 10 दिन तो आइए आंदोलन में, बैठे रहिए, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था है, वहां के सब व्यवस्था आपको है, रहने का खाने का, बस कोशिश कीजिएगा। जैसे अनिश जी का अकाउंट मैंने दिखाया था, मैं पहले वीडियो देख लेता हूं कि वीडियो में आ रहा है कि नहीं, क्या होगा 100-200 तो आप भी जाके ढाबा पे खा लेते होंगे, हमारे घर में जो बहन है वो जाके सूट खरीद लेती होगी, या कान नाक में झुमका खरीद लेती होगी, 100-150-200 क्या है, मिनिमम 100 रुपया आप चंदा दीजिए, हमें नहीं, हम इस सब में नहीं है, बकायदा बोल रहे हैं आपको। मैंने अनिश जी का अकाउंट भी डाला था फोन पे का, चूंकि मुझे सही लगा, ये यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, मैं किन्हीं का नाम ले रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति गलत सोच ले, या हमारे विवेक भैया जो भी को टीम में है, लेकिन अनिश जी के अकाउंट पे, चूंकि हम जानते हैं पर्सनली इनको, आप इनके अकाउंट पे आप चंदा दीजिए, ज्यादा नहीं, मात्र 100 रुपया, सभी लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे बाद में जब बहाली नहीं आएगा, और चंदा भी दीजिए 100 रुपया बकायदा, और आंदोलन में भी जाइए, चूंकि दोनों चीज चाहिए, धन बल कल सब चाहिए। आप भी जानते, बिहार में ठेठी में कहावत है, कहते हैं ना, जब बहाली होती होगी किसी का, भैया घूस लगता हो, और यहाँ आपको घूस देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको आंदोलन में आना है और 100 रुपया चंदा दे दीजिएगा। आप ये मत समझिएगा कि 100 रुपया से, पता है मेरे माइंड में भी आता था जब भी हम स्टूडेंट थे, जब किसी को खिलाते थे, भाई 100 रुपया खर्चा हो जाएगा, लेकिन आपको याद होगा ये 100 रुपया से आपका भाग्य बदलेगा। जब 1.5 लाख रुपया खर्चा किए बीएड में या मैट्रिक इंटर, कितना खर्च कर दिए होंगे, तो 100-200 क्या है,
चंदा दीजिए, चंदा से मदद कीजिए और बकायदा 100 सगी वहां पहुंचिए। कहां? गर्दनीबाग। कहां पहुंचना है? गर्दनीबाग पटना में एक जगह है, पटना स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन पर जैसे ही उतरते हैं वहां बोलिएगा ऑटो वाला को 10 से 15 रुपया लेगा, गर्दनीबाग जाना है। गर्दनीबाग उतार देगा और गुमती आता है, गुमती के बाद आपको धरना स्थल है थाना के बगल में। कुछ अभ्यर्थी पूछे भी हैं कि गर्दनीबाग है कहाँ, तो उनको भी मैं बताने के लिए किया हूँ। और साथ में मैं फिर से हाथ जोड़ता हूँ, शिक्षा मंत्री अगर अपने आप में अडिग है तो आप भी अडिग हो जाइए। अडिग कैसे? आपको आना होगा, यू विल हैव टू कम, नहीं आइएगा बहाली नहीं आएगा। मैं देख के आया हूँ, मैं 3 दिन के छुट्टी पर गया था, मैं डेली आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लाऊंगा, लेकिन घर बैठ के नहीं। प्लीज, मैं आपको पकाना नहीं चाह रहा हूँ, पैर पकड़ता हूँ, आप जाइए, जाइए सर प्लीज, हम तो गए ना, तो आप भी जाइए, निकलिए। और खासकर जो बहन है, इस बार जो अच्छा बंधन होगा गर्दनीबाग जो जगह है वहीं पे आप जो भाई लोग मिलेंगे, 38 जिला का भाई, हो सकता है मेरी भी बहन है, आपके भी भाई होंगे, जो हमारी बहन है आपके एक भाई होंगे, लेकिन वहां गर्दनीबाग में हजार हजारों की संख्या में भाई मिलेंगे आपको। और जब राखी बांधेंगे तो भगवान भी ऊपर से देखेगा कि हमारी बहन को कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन और 7वां चरण का बहाली आ जाए। तो हम तमाम अभ्यर्थी से कहेंगे जो 7वें चरण में भाग लेने वाले हैं, घर से निकलिए, घर से निकलिए। बस शिक्षा मंत्री को मेरे तरफ से रेलने से नहीं होगा, शिक्षा मंत्री अगर अडिग है तो आपको भी अडिग होना होगा। कहते हैं ना, जब मैथ में क्वेश्चन हार आता है तो 1 बार गलती बनाते होंगे, 2 बार गलती, लेकिन जब अडिग हो जाते होंगे तो 3रा बार प्रश्न सही बन जाता है। इसी प्रकार अगर शिक्षा मंत्री अडिग है कि बहाली हम नहीं देंगे, तो आप भी अडिग हो जाइए कि आंदोलन में पहुंचेंगे और सत्ता को हिलाएंगे। चूंकि आप चाणक्य है सर, चाणक्य है, अपने आप को चाणक्य समझिए, चूंकि चाणक्य भी शिक्षक थे, और जब समय आया तो सत्ता का परिवर्तन कर दिए। तो आप भी अपने आप को, उन्होंने तो टीकी अपना टीकी खोल लिया था, तो आपको भी बोलेंगे बकायदा घर से निकलिए और अपने माता पिता को बोल दीजिए कि हम घर तब आएंगे जब हम बहाली लेके आएंगे। पिछले बार जब आंदोलन में आए थे, जो अभ्यर्थी आए होंगे, मैं भी ले गया था, तो देखिए उन्होंने 22 दिन तक आंदोलन किया और क्या हुआ, नोटिफिकेशन तो निकला, क्या चीज का, भले नौकरी का नहीं निकला हो, लेकिन ये तो कहा गया कि जुलाई के लास्ट में आएगा। अब भले आप लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, आप लोगों की गलती नहीं है, तो वही आप जब जुलाई के लास्ट में नहीं आया तभी तो आंदोलन चल रहा है। अगर आप 10 दिन आंदोलन कर दीजिएगा तो मैं चैलेंज बोलता हूं बहाली आएगा, बहाली नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा कि इस महीने से बहाली स्टार्ट होगा। कम से कम नोटिफिकेशन तो निकलेगा, लेकिन आपके आने से, आपके आने से कहा, अगर मेरा वीडियो जो भी देखते हैं तो गर्दनीबाग पहुंचिए, कम से कम मेरे लिए। तो मैं बता दूं इसके पीछे कौन बहाली असली चेहरा कौन है, तो शिक्षा मंत्री साहब, शिक्षा मंत्री जी हैं जो इनके असली चेहरा है। तो इनको जवाब देने के लिए आपको पहुंचना होगा गर्दनीबाग में, फिर से बोल रहे हैं। तो वही आगे की रणनीति पर चर्चा, वही आज मैंने चर्चा किया, घर बैठ के अब नहीं होगा कुछ, मैं देख के आया हूं। संख्या तो पहला दिन बहुत था, दूसरे दिन भी बहुत था, कल भी था, आज भी था, लेकिन अब आपको भी निकलना होगा। विनम्र निवेदन है इस जिला के तमाम अभ्यर्थी से कि आप घर से निकलिए। बस इतना ही बोल के अपने वाणी पे पूर्ण विराम लगाता हूं। जय हिंद, जय भारत।